तो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि हम ट्रेडिंग व्यू को मोबाइल में किस तरीके यूज करें। मुझसे बहुत सारे जो बच्चे जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि हम मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज करें। आप तो ये पीसी में जो है वो सारी सेटिंग्स वगैरह हमें बताते हो, टूल्स के नेम्स वगैरह बताते हो, मोबाइल में हम कहां से ढूंढें। तो आज इसी चीज को हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के लिए आप सीधा जाए प्ले स्टोर पे। अगर आप जो है वो ऐप यूज करते हैं तो ऐप स्टोर में जाए, वहां पर सर्च करेंगे जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू, तो आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन दिख जाएगी, उसे आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इंस्टॉल जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आप इसे ओपन करें। मैं अभी इसे ओपन कर रहा हूं। अब जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये भी ट्रेडिंग व्यू ओपन हो रहा है, इसे हम ओपन होने देते हैं। अब जैसे ही ये आपका ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाए तो आपको इधर जो है वो मार्किंग दिखेंगी, जिस तरीके से पीसी में इंटरफेस आता है सेम इंटरफेस है, बस यहाँ पर जो है स्क्रीन थोड़ी छोटी, वहां पर स्क्रीन बड़ी होती है। यहाँ इंडिसीज जैसे स्टॉक्स वहां पर हमें देखते हैं, फ्यूचर्स एंड फॉरेक्स क्रिप्टो वगैरह वगैरह जो भी हमें देखते हैं वो सारी चीजें। अब उससे पहले आप यहाँ पर देखें, नीचे आपको दिख रहा होगा मेन्यू। अब आप जैसे ही मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा साइन इन या साइन अप। वहां से अपना अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद उससे साइन इन करें। इससे आपको यह होगा कि अगर ट्रेडिंग व्यू की कोई भी नई अपडेट आएगी या ट्रेडिंग व्यू में कोई नई चीज ऐड होगी, नया टूल ऐड होगा, नया कोई इंडिकेटर आएगा, मार्केट्स में जो भी हलचल होती रहती है वो आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन आया करेंगे और वो जो है वो आपके लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ से साइन इन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो जैसे सिंपल उसे आप अपना लॉग इन करें यहाँ पर। उसके बाद जैसे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर न्यूज का ऑप्शन भी दिखेगा। ये आपको पहले नहीं दिखेगा, जब आपका अकाउंट नहीं बना होगा आपको न्यूज का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इधर आप फिर से व्हाइट लिस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स। अभी जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको सारा इंटरफेस जो चार्ट्स वगैरह है वो आपको दिखने लग जाएंगे। और एक बात है, ट्रेडिंग व्यू को आप डार्क मोड में कर रहे हैं, मेन्यू में आके यहाँ पर लिखा हुआ है थीम। थीम में जैसे आप जाएंगे उसके बाद आप इसे डार्क मोड में कर ले। आप इसे डार्क मोड में कर लेंगे तो ये आपको आपके जो आंखें हैं, आपकी आईज हैं, उनमें ज्यादा इन्फेक्ट नहीं करेगा एंड आपको देखने करने में भी आसानी हो जाएगी। वरना जो व्हाइट कलर है वो आपको ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्ट करता है और जो है वो नजर का इश्यू हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पर आपको जिस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब भी ऐसे अगर आप करके वर्टिकल वे में मोबाइल को यूज करके एंड यूज करेंगे ट्रेडिंग को तो बहुत मुश्किल होगी आपको। आप इसे जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में कर ले मोबाइल को, इस तरीके से फोन को हॉरिजॉन्टल वे में कर ले। इससे होगा ये कि आपकी जो है वो इजी हो जाएगा आपको यूज करना ट्रेडिंग एंड जो है वो दूसरे ऑप्शन भी आपको नीचे से दिख जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऊपर जो है वो आपको कैंडल्स दिख रही हैं और उसके नीचे जो है वो आपको एक वॉल्यूम टाइप जो दूसरी नीचे से ऊपर जा रही कैंडल्स वो दिख रही है, वो वॉल्यूम है। ओके, वो एक इंडिकेटर है। आप इधर देखें ऊपर जो एप लिखा हुआ है, इसके नीचे हेड क्लोज, उसके नीचे प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, बाय एंड सेल के लिए, उसके नीचे लिखा है वन। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वॉल्यूम शो हो रहा है, इस पे क्लिक करें और यहाँ से इसे कट कर दें। अब आप वॉल्यूम को कट कर देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ही आप वॉल्यूम को ऐड ना करें। जब हम इस वॉल्यूम वगैरह कुछ सारी चीजों को जो है वो समझ लेंगे तो इनको ऐड करेंगे। अगर आपको समझा हुआ तो आप वॉल्यूम को ना हटाएं, आप उसे लगा रहने दें। अब उसके बाद जो यहाँ का इंटरफेस है वो सेम जैसे हम पीसी में हमने समझा ट्रेडिंग के बारे में, इसी तरीके से देखें। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इधर देखिए लिखा हुआ है AAPL, नीचे जैसे देखिए इधर वॉच लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो आपको इधर सर्च आ जाएगा। यहाँ से आप किसी भी मार्केट को सर्च करके एंड जो है वो देख सकते हैं। देखें इधर आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप किसी भी चीज को, क्रिप्टो हो, चाहे वो क्वाइन हो, कोई स्टॉक हो, कोई कंपनी हो, ठीक है, तो कोई इंडिसीज हो, तो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे मान लें मैंने यहाँ पर बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट ओपन किया, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर मेरे सामने ये चार्ट ओपन हो गया। अब इधर आपको साइड में जिस तरीके से पीछे में प्राइसेस दिखती है वो प्राइसेस दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 1D, इधर BTC यूएसडी के सामने 1D। अब 1D पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना जो कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेकंड्स लिखा हुआ है देखें नीचे, और यहाँ से मिनट्स, मान लें मैं यहाँ पर 3 मिनट का जो है वो कर देता हूँ। अब 3 मिनट का मैंने क्या, तो अब यहाँ पर जो एक कैंडल बनेगी वो 3 मिनट की बनेगी और इधर आपको जो है वो टाइम दिख भी रहा होगा कि 1 मिनट अभी जो है वो बचा है। और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी वो 3 मिनट से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये सारा सिंपल जो है वो मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है इधर सामने, 3 मिनट के सामने ही सामने। आप जैसे ही इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सारी ड्राइंग्स जो मैंने आपको टूल्स बताए थे, लाइंस बताई थी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ट्रेंड लाइन थी, या जो भी सारे टूल्स थे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल है आपके लिए। या फिर मेयर करना, लॉक करना, मैग्नेट, ड्राइंग हाइड, रिमूव वगैरह वगैरह सारी चीजें। आप जैसे नीचे करेंगे इधर देखें आपको लाइंस मिल जाती है, उसके बाद फिबोनाची एंड गेंस, जियोमेट्रिकल शेप्स, एनोटेशन, पैटर्न,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको इधर मिल जाती है। अब मान लें मुझे यहाँ से लाइन एड करनी है, तो मैंने इधर क्लिक किया, यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह जो है वो सारी लाइन आपको मिल जा रही है इधर, ठीक है। मान लें मैंने यहाँ से जो है वो लाइन देखें ट्रेंड लाइन को पकड़ता हूँ एंड में यहाँ से क्लिक करके और जो है वो कुछ इस तरीके से लगा सकता हूँ इसे, और इसको जैसे ऊपर नीचे करना हो या जिस तरीके भी करना हो इस तरीके से मैं इसे लगा सकता हूँ, वेरी सिंपल एंड ईजी है। उसके बाद इधर आपको ये एक ऑप्शन मिला होगा, तो ये अभी आपके लिए जो है वो अपने इसमें ऐसा था कि वॉच लिस्ट जहाँ पर आप अपने जो है वो ये जो इधर वॉच लिस्ट है अपने फेवरेट कर लेंगे जिन भी चीजों को, माने आपने 5 क्वाइंस को फेवरेट कर लिया, उसके बाद आपने 5 शेयर्स जो है वो स्टॉक्स को फेवरेट कर लिया, तो वो जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो सारी जो है वो फेवरेट जो चीजें आपकी हुई होंगी वो आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद इधर लिखिए आगे लिखा हुआ FX, ये मीन्स इंडिकेटर्स को शो कर रहा है FX, यहाँ से आप अपना इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप जो भी अपना इंडिकेटर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। मान लें मैं यहाँ पर जो है वो BB ठीक है बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर जो है वो लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही मैं इस पर एक बार क्लिक किया, अब ये इंडिकेटर हमारा इस पर देखें अप्लाई हो गया और ये यहाँ पे आपको ऊपर शो भी हो रहा होगा इंडिकेटर। अब आप इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं अगर यहाँ से करना चाहें तो, यहाँ से मान लें मैं देखें इसकी सेटिंग्स वगैरह जो भी होती है जिस तरीके से हम PC में अपना करते हैं तो इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। मान लें हमने किया इसका और ये हमें जो है वो इंडिकेटर हमारा लग गया, तो इस तरीके से हम यहाँ से इंडिकेटर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरे जो ऑप्शन मिलते हैं वो आपके कुछ काम किए तो है नहीं, आपको इधर जो है वो उधर एक लास्ट में जो ये शेयर बटन के सामने कैंडल टाइप बना हुआ है, इधर से आप अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं इसको, जो है वो किसी भी चीज किसी भी जो है वो डिफरेंट उसमें चेंज कर सकते हैं। मान लें मैंने इधर से मैं इसे चेंज करता हूँ कैंडल्स में, या फिर मैं इसे कॉलम्स में चेंज करूँ, या फिर मैं इसे किसी भी चीज़ में जो है वो चेंज कर सकता हूँ, मैंने इसे कैंडल्स में कर देता हूँ, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर जो थंडर टाइप बना हुआ है तो इसमें आपको उस क्वाइन के या उस स्टॉक जिसको आप देख रहे हो एनालाइज कर रहे हो उसके जो है वो न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगी। तो ये सिंपल इंटरफेस है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये सिंपल जैसे हम PC में यूज़ करते हैं इसी तरीके से मोबाइल में यूज़ हो रहा है, एंड जो ये सारी चीज़ें ये आपको समझ में आ गई होंगी, ये सिंपल फंक्शंस वगैरह हैं, इसमें कोई जो है वो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं। आप जब यूज़ करने लग जाओगे और कुछ टाइम यूज़ करोगे तो आप जो है वैसे सारा फेमिलियर हो जाओगे। मैंने आपको जो काम की चीज़ें थी, ठीक है, बेसिक चीज़ें थी उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें हैं वो जब आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे कुछ टाइम के लिए तो आप उन सबसे फेमिलियर हो जाएंगे आराम से। सो आज की वीडियो यही तक थी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।